क्या है जो यीशु ने अपने चेलों को दिया जिससे वो संभले? क्या है जो चेले दूसरों को देते हैं जो उनको संभाल सकता है? कौन सी वो बात है, कौन सा वो वचन है जिसमें परमेश्वर का सामर्थ्य है कि लोगों को पवित्र कर सके, संभाल के रख सके? यीशु प्रार्थना करते हैं कि वो एक रहे अपनी भावनाओं में, अपनी योजनाओं में, सारे विश्वासी एक रहे। मतलब ये नहीं कि अब एक ही चर्च में हो, एक ही जैसे प्रेयर करे, एक ही जैसे वर्शिप करे, नहीं नहीं, लेकिन प्रभु यीशु में लोग एक हो। और ये प्रेयर जो है ये दुनिया के लिए नहीं है, प्रेयर्स उनके बारे में है जो प्रभु यीशु में है। प्रभु कहते हैं मैंने एक को भी नहीं खोया है, मैंने इनको संभाल के रखा है। आज हो सकता है आप लाइफ में ऐसे क्राइसिस से हो, डिफिकल्टी से हो, आप पीछे घूम के देखिए कि उस ट्रुथ के पावर ने ही आपके जीवन को संभाल के रखा है। परमेश्वर के सामर्थी हाथों ने ही आपको संभाल के रखा है, नहीं तो आप और हम अभी तक टिके नहीं रहते। ये परमेश्वर का सामर्थ है। प्रभु यीशु कहते हैं मैं इनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आप किस चीज के लिए प्रार्थना करेंगे? प्रभु मेरे बटुए में पड़े पैसे संभाल के रखना, प्रभु मेरे कपड़ों को संभाल के रखना, क्या प्रभु मेरे बैंक में डिपॉजिट संभाल के रखना? प्रभु कहते हैं इनका जॉय कंप्लीट हो जाए। जो जॉय मेरे अंदर है, जो भरपूर आनंद मेरे अंदर है, वो आनंद के सहभागी ये भी हो सके। वो चाहते थे और चाहते हैं कि उनके चेलों में वही आनंद रहे जो उनके जीवन में है, क्योंकि वो पिता के साथ एक है। जब वचन कहता है जो मसीह यीशु में एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया। जिस दिन एक व्यक्ति अपना जीवन प्रभु को देता है और उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा आता है, वह व्यक्ति दुनिया का है ही नहीं, क्योंकि एक अलग आत्मा उसके अंदर है जिसको दुनिया नहीं जानती। आप बोलेंगे कि भाई मुझसे दुनिया इतनी नफरत क्यों करती है? आप पहले नहीं है, आप आखिरी नहीं है। उन्होंने प्रभु यीशु से भी नफरत की। और अगर आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, दुनिया उस आत्मा को नहीं जानती, दुनिया उस आत्मा को रिसीव नहीं कर सकती। बहुत आसानी से आदमी अपनों के बीच में भी अकेला हो जाता है, आदमी दुनिया में अलग दुनिया का हो जाता है। वचन कहता है कि दुनिया ने उनसे नफरत की क्योंकि दुनिया उनको नहीं जानती। वो दुनिया में है लेकिन दुनिया के नहीं है। अगर आप दुनिया में और दुनिया के ही है और दुनिया जैसे ही जी रहे हैं, तो फिर आप कौन से विश्वासी? क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो राज्य के लिए भूखा और प्यासा हो जाता है। और जब वो सत्य में आगे बढ़ता है तो उसका जीवन दुनिया में रह के दुनिया से अलग होता रहता है। कई बार लोगों को बताने की भी जरूरत नहीं, आपने प्रभु यीशु को जीवन दिया, लोग आपको देख के ही बोलेंगे क्या बात है, व्हाट इज सो डिफरेंट अबाउट यू, और बोलेंगे मेरे को पसंद नहीं आ रहा है। इसलिए वचन कहता धन्य हो तुम जब तुम धार्मिकता के कारण सताए जाते हो, तुम पे झूठे आरोप लगते हैं, आनंदित हो क्योंकि स्वर्गराज तुम्हारा है। और इसीलिए हम पीछे घूम के देख सकते हैं कि उस सत्य ने हमको गिरने नहीं दिया, वो सत्य हमको अलग करता रहा, वो सत्य हमको पवित्र करता रहा, वो सत्य हमको संभाल के रखता रहा। और प्रभु कहते हैं कि मैंने इनको तेरा सत्य दिया, तेरा वचन दिया है। मैं नहीं मांगता कि तू उनको दुनिया से हटा ले, बट मैं चाहता हूं तू उनको दुनिया में संभाल के रख, कि तेरा वचन उनको जगत में जय दे। और वचन क्या कहता है कि इससे हम जानते हैं कौन परमेश्वर से जन्मा है, वो दुनिया पे जय पाता है। आज यहाँ कोई भी व्यक्ति है, आप दुनिया से स्ट्रगल कर सकते हैं, इस दुनिया में आपको प्रलोभन हो सकते हैं, आप थोड़े समय के लिए बहक सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर से जन्मता है वो दुनिया पे जय पाता है। वो वर्ल्ड पे, वर्ल्ड की टेम्पटेशन पे, दुनियादारी के तरीकों से और दुनिया के साथ जो संघर्ष है उसमें जय पाता है, उसकी लाइफ की स्टोरी होती है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से जन्म है, सिंपल एज दैट। कोई व्यक्ति बोलेगा मेरे संघर्ष है, संघर्ष होना खराब बात नहीं है, संघर्ष होना दिखाता है कि आपकी चाहत है, आप दुनिया से संघर्ष करना चाहते हैं, वो दिखाता है कि अगर आप पाप कर रहे हैं तो आप उसमें खुश नहीं है, दिखाते हैं कि आप अपने संघर्ष के कारण दुखी हैं क्योंकि आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं अपने जीवन के द्वारा। पर जहां तक जीत का सवाल है, जो परमेश्वर से जन्मता है वो दुनिया पे जय हासिल करता है। और ये आपका विश्वास होना चाहिए कि गॉड आपको कंप्लीट विक्ट्री देंगे। आज भी यीशु परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं, वो यही मध्यस्थता कर रहे ताकि उनका सामर्थ हमको संभाल के रख सके जब तक हमको वो पूरा उद्धार ना दे दे। प्रभु हमको इसी दुनिया में अपनी ज्योति बना दीजिए, इसी दुनिया में हमको नमक बना दीजिए, इसी दुनिया में हमको संभाल के रखिए। फिर प्रभु कहते हैं इनको अपने वचन से पवित्र करिए। और इसी सेल्वेशन के एक्सपीरियंस को समझना है। नया जन्म मिलने के बाद ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जहां परमेश्वर निरंतर हमको पवित्र करते हैं, जय देते हैं और हमारा चरित्र परिवर्तित होता रहता है। क्यों? क्योंकि वर्ड का वो पावर हमको निरंतर पवित्र करता रहता है। प्रभु बोलते हैं इनको सैंक्टिफाई करिए, इनको क्लेंस करिए। ये जो सैंक्टिफिकेशन है, ये जो पवित्रता, ये प्रोग्रेसिव है। एक तो जब
जब हमारा कॉन्शियंस, हमारा अंतर्मन नया कर दिया जाता है, जब हमको मसीह में नया जीवन मिलता है। दूसरा, जब हम परमेश्वर के वचन में, उसके ज्ञान में, उसकी सहभागिता में बढ़ते हैं, तो हम निरंतर परिवर्तित होते जाते हैं, महिमा से महिमा में हम निरंतर परिवर्तित हो जाते हैं और यीशु जैसे बनने लग जाते हैं। दुनिया में रहते हैं लेकिन दुनिया के नहीं रहते, और फिर प्रभु हमको जय देते हैं हमारे बुरी सोच पर, बुरी चाहतों पर, हमारे ऊपर जय की लड़ाई लड़ने वाले पाप पर जय देते हैं, ताकि हम हर चीज को अपने अधीन करके अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दे सके। आप दुनिया में हैं तो दुनिया के प्रति आपका क्या रवैया है? क्या आप दुनिया के साथ मिल रहे हैं कि आप दुनिया से संघर्ष कर रहे हैं? क्या आपकी भी जीवन की गवाही होगी कि आप परमेश्वर से जन्मे हैं और दुनिया पर आपको जय मिली है? क्या आज आपको आपकी प्रॉब्लम्स में, चैलेंजेस में ऐसा लगता है कि आपको गॉड सस्टेन नहीं कर सकते? तो याद रखिए, गॉड अपने पावर से अपने लोगों को संभाल के रखते हैं, और उसका पावर उसके वर्ड में है।